तो हेलो वेलकम से फिर से सभी का बहुत बहुत वेलकम आज के इस नए वीडियो में। सो सभी की ये वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने पबजी मोबाइल को 1.3.0 के अंदर में अपडेट कर सकते हो। और इधर बेसिकली गाइस मैं आप लोगों को एक नहीं दो नहीं पूरे तीन तरीके बताने वाला हूँ और तीनों के तीनों ऑफिशियल रहेंगे। ऐसा कुछ भी फेक नहीं रहेगा जहां से आप लोगों का डाटा वेस्ट हो जाए, क्योंकि मुझे पता ज्यादातर जो यूजर्स गेम खेलते हैं वो सभी डाटा पर खेलते हैं और उनको मतलब पूरे दिन का डाटा संभाल के रखना पड़ता है अपडेट करने के लिए, और उसमें भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर पूरे दिन की बात गई, फिर अगले दिन अपडेट करो। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं जितने भी आप लोगों को तरीके आने वालों सारे के सारे एकदम सिक्योर है, आपका डाटा एकदम सिक्योर रहेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले मेथड के बारे में बता देता हूं, एंड इसके लिए आप लोगों को कोई वीपीएन कनेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को दो ऐप की जरूरत पड़ेगी, बेसिकली इन दोनों में से आप लोग कोई भी एक ऐप यूज कर सकते हो। दो मैंने दिखाई है आप लोगों को, जो आपको पसंद है आप लोग उसको इंस्टॉल कर लो। बाकी पहली है अप टू डाउन ऐप स्टोर, दूसरी है टैप टैप। तो बस कोशिश करूंगा इन दोनों ऐप की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं। बाकी थोड़ा सा क्विक इंटरफेस आप लोगों को समझा देता हूं कि कैसे अपडेट करोगे आप लोग। तो सबसे पहले बात करें अगर अप टू डाउन ऐप स्टोर के बारे में, तो आप लोग जैसे इसको ओपन करोगे तो आप लोग इसको मतलब बिल्कुल प्ले स्टोर की तरह समझो, ठीक है। तो आप लोगों साइड में कॉर्नर में एक आइकन नजर आएगा सर्च का, जैसे इधर क्लिक करोगे ऊपर में आप लोगों को टाइप करना है पबजी। जैसे आप लोग पबजी सर्च करोगे इधर आप लोगों को पबजी मोबाइल बीटा, पबजी मोबाइल, पबजी मोबाइल कोरियन वर्जन, पबजी मोबाइल वियतनाम वर्जन, एवरीथिंग मतलब जितने भी वर्जन बनाए गए ना सारे आप लोगों को इधर मिल जाएंगे। जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हो, सबसे पहले आप लोगों को पबजी मोबाइल का बीटा वर्जन भी इधर मिल रहा है। अगर आप लोगों को बीटा डाउनलोड करना है तो वो भी आप लोग इधर से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग इधर क्लिक करोगे देखोगे इसका वर्जन जस्ट नीचे आएगा 1.3.3 का, इसका जो वर्जन चल रहा है अभी फिलहाल बीटा का वो इधर नजर आ रहा है। उसके सेकंड पर आप लोगों को मिलेगा इधर पबजी मोबाइल का ग्लोबल वर्जन, जिसको आप लोग इधर से इजिली डाउनलोड कर सकते हो। अभी 1.2.0 है, जैसे ही आप लोगों को इधर 1.3.0 नजर आ जाए, जैसे ही अपडेट आ जाए, तो आप लोग फटाफट इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह से सेम टू सेम हमारा टैप टैप ऐप रहने वाला है। इसको आप लोग अगर ओपन करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ऊपर में आप लोगों को सर्च करने का आइकन मिल ही जाता है, जहां पर आप लोग क्लिक करके इजीली पबजी सर्च कर सकते हो। और पबजी सर्च करते ही आप लोगों के सामने जितने भी वर्जन है सारे के सारे आ जाएंगे। अब आप लोग इधर से चूज कर लेना, जैसे कि देख सकते हो नीचे की तरफ ग्लोबल वर्जन है। आप लोगों को सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ग्लोबल वर्जन के ऊपर आकर के क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे आप लोगों के सामने इधर जहां ओपन आ रहा है यहां डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और नीचे जो इसकी गैलरी है सारी की सारी जो इमेजेस है वो सारी की सारी 1.3 वाली आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। तो समझ जाना कि अपडेट आ चुका और अपडेट कर लो। अब बात करें अगर दूसरे मेथड के बारे में, इसमें भी आप लोगों को कोई वीपीएन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। तो बेसिकली इंस्टाग्राम तो सभी के फोन में होता है, तो आप लोगों को इंस्टाग्राम चाहिए, और उसके अलावा इंस्टाग्राम के अलावा आप लोगों को दो ऐप चाहिएगी। इनमें से आप लोग कोई भी एक ले लो, मैं ये नहीं कहता दोनों ही ऐप डाउनलोड कर लो। विडमेट बेसिकली सबके फोन में होती है, या फिर आप लोग ES फाइल एक्सप्लोरर, ये जो दोनों ऐप है ये सभी के फोन में मिल जाती है। तो आप लोग इन दोनों में से कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो, इनका कोई ज्यादा बड़ा यूज नहीं है। यूज आप लोग समझो कि कितना सा है, आप लोगों को सिर्फ इधर इंस्टाग्राम को ओपन करना है, इधर पबजी मोबाइल का जो ग्लोबल अकाउंट है उस पर आप लोगों को चले जाना है। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे डाउनलोड एंड प्ले वर्जन 1.2 नाउ, और उसके नीचे लिंक दी हुई है। तो इधर जैसे ही 1.3 का अपडेट आएगा तो इधर ये लिंक को भी अपडेट करेंगे और आप लोग इधर लिखा आएगा डाउनलोड एंड प्ले 1.3.0 नाउ। तो जैसे ही आप लोग लिंक के ऊपर में क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने डाउनलोड करने के लिए नीचे की तरफ कुछ ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले एक लिंक ओपन होगी, उसके बाद नीचे दो ऑप्शन आएंगे। अब इन दोनों में ही देख सकते हो ES फाइल भी है और विडमेट भी है। तो मेरे पास इधर दोनों ही, आप लोगों के पास में कोई भी एक होगा तो आप लोग एक से किसी से भी डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले ES फाइल की बात करें, तो जैसे इधर आप लोग क्लिक करोगे ES फाइल वाले आइकन पर, तो ये कुछ इस तरह से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप लोग इधर देखना नाम जो नेम में लिखा है पबजी मोबाइल ग्लोबल 1.2.0, आप लोगों के केस में या फिर जब आप लोग 1.3 को अपडेट कर रहे हो तो 1.3.0 इधर होना चाहिए, तभी आप लोग इसको डाउनलोड करना, वरना आपका डाटा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम इसी तरह से आप लोगों को विडमेट के साथ भी करना है। मान लो आप लोगों के पास में ES फाइल एक्सप्लोरर नहीं है तो आप लोग विडमेट को डाउनलोड कर लो। विडमेट में क्या करना है, आप लोगों को लिंक पर क्लिक करना है। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे इधर आप लोगों को डाउनलोड वीडियो आएगा, वीडियो से कोई टेंशन नहीं है, बस आप लोग इधर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इधर क्लिक करोगे आप लोगों से डाउनलोड करने के लिए पूछेगा, एंड इधर भी आप लोगों को सेम चीज करनी है, वर्जन चेक करना है। इधर लिखा हुआ पबजी मोबाइल ग्लोबल 1.2.0, आप लोगों के केस में जब आप लोग 1.3 को अपडेट करोगे तो 1.3 आएगा। तो मैं इधर जैसे ही डाउनलोड नाउ पर क्लिक करा तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो इसलिए इधर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, जब आप लोगों को ये डाउनलोड हो जाएगा तो जैसे ही आप लोग विडमेट के डाउनलोड वाले सेक्शन में जाओगे तो यहां पर आप लोगों को इस तरह से ऊपर में फाइल आ जाएगी। उसके बाद जैसे आप लोग इसके ऊपर में क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों से ये बोलेगा, आप लोगों को सेटिंग्स में जाके अननोन ऐप को अलाउ करना पड़ेगा। तो सेटिंग्स में आप लोग सिंपल सा क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इधर क्लिक करोगे तो आप लोगों को इधर जो ये अननोन ऐप होती है इसका एक आइकन मिल जाएगा आप लोगों को। तो सिंपल सा आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करके इसको जो है ओके कर देना है। जैसे आप लोग इधर ये चीज कर देते हो तो आप लोग उसके बाद में बैक आकर के इंस्टॉल पर क्लिक करोगे तो आप लोगों का ये जो गेम है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए जब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट मेथड के बारे में। अभी जो लास्ट मेथड है ये भी ऑफिशियल है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को कोई भी एक वीपीएन
डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं इधर UFO VPN को यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग भी किसी भी VPN को यूज़ कर सकते हो, XYZ कोई भी VPN आप लोग यूज़ कर लेना, सिर्फ एक इंडिया से बाहर की कंट्री को कनेक्ट कर लेना, क्योंकि इंडिया में पबजी मोबाइल बैन है, बाहर तो चल रहा है, तो आप लोग बाहर की किसी भी कंट्री को सिलेक्ट कर लो और मैं इधर कनेक्ट हो जाता हूँ, क्योंकि इधर बहुत सारी ऐड आती है, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे क्या करना है। तो फाइनली आप लोग इधर देख सकते हो मैं VPN के साथ में कनेक्ट हो चुका हूँ, ऊपर आप लोगों को VPN नज़र आता होगा, बाकी मैं इधर आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख सकते हो कि VPN हमारा एक्टिवेट है। आप लोगों भी इस तरह से जब VPN से कनेक्ट हो गए आप लोगों भी इस तरह से दिखाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्रोम पे जाना है, क्रोम पे जाने के बाद आप लोगों को पबजी मोबाइल सिंपल सा टाइप करना है, उसके बाद आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आ जाना है। आप जैसे आप लोग नीचे की तरफ आओगे इधर आप लोगों को दो लिंक मिलेंगे, पबजी ऑन मोबाइल और नीचे की तरफ पबजी मोबाइल, दोनों में से कोई भी आप लोग चूज कर सकते हो, दोनों के अंदर सेम मटेरियल है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, VPN हमने इसीलिए कनेक्ट करा है ताकि हम लोग इनके अंदर जा सके, अगर आप लोग बिना VPN के आओगे तो आप लोग इधर एंटर नहीं हो पाओगे। बाकी आप लोग इधर जैसे ही क्लिक करोगे APK डाउनलोड पर तो नीचे की तरफ आप लोग देखोगे कि आप लोगों की फाइल जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको एक बार हटा करके दिखाता हूं, तो आप लोग देख सकते हो फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई और आप लोग वर्जन जरूर चेक करना है। इधर भी इधर लिखा हो पबजी मोबाइल 1.2, आप लोग के केस में 1.3 होना चाहिए क्योंकि हम लोग अपडेट कर रहे हैं 1.3 के लिए। तो जब कभी भी आप लोग अपडेट करोगे तो वर्जन का खास ध्यान रखना। और देखो इनके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी ऑफिशियल सोर्स है जहां से आप लोग पबजी मोबाइल को अपडेट कर सकते हो, बेसिकली जहां से भी आप लोग करोगे मुझे लगता है आपका डाटा वेस्ट होने वाला है। तो ये तीन तरीके मुझे सबसे अच्छे लगते हैं जहां से मैं पबजी मोबाइल को अपडेट करता हूं, और आप लोग भी यहां से पबजी मोबाइल को इजीली अपडेट कर सकते हो। बाकी इधर मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जैसे ही 1.3 का अपडेट आएगा उस दिन मैं सुबह में ही वीडियो बना देता हूं कि कैसे आप लोग अपडेट कर सकते हो। तो अगर आप लोग वो चीज देखना चाहते हो, वैसे अपडेट करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया, इसी तरीके से सभी लोग अपडेट करते हैं और आप लोग भी पबजी मोबाइल को इसी तरह से अपडेट कर सकते हो। तो बस गाइस यही थी आज की पूरी वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे आप लोग पबजी मोबाइल को अपडेट कर सकते हो। बाकी ये मेथड ना आज ही के लिए नहीं है कि 1.3 आ रहा है तो इसलिए आप लोग इसको अपडेट कर सकते हो, आप लोग आने वाले टाइम में जितने भी अपडेट है सभी को इसी तरह से अपडेट इजीली कर सकते हो। बाकी आप लोग अब ये वाले वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि देखो उनको भी पता चल जाए कैसे आप लोग पबजी मोबाइल को अपडेट कर रहे हो, तो वो भी आपके साथ कर पाए, क्योंकि अगर दोनों का सेम वर्जन नहीं होगा तो मैच मेकिंग नहीं हो पाती है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलता हूं आपसे भी एक बढ़िया सी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।